पंचायत की लापरवाही आई सामने, बदायूं से तस्वीरें सामने आ रही हैं। योगीराज में गौशाला का हाल बेहाल, रात में गायों को बाहर कर देते हैं कर्मचारी, रात भर खेतों और बाजारों में घूमती हैं गाय। नगर पंचायत की लापरवाही आई सामने, बदायूं से खबर सामने आ रही है। योगीराज में गौशाला का हाल बेहाल, रात में गायों को बाहर कर देते हैं कर्मचारी, रात भर खेतों और बाजारों में घूमती है गाय। नगर पंचायत की लापरवाही आई सामने, बदायूं से ये खबर सामने आ रही है, जहां योगीराज में गौशाला का हाल बेहाल है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से बाहर निकाल दिया गया है गायों को। रात में गायों को बाहर निकाल दिया जाता है, कर्मचारी बाहर निकाल देते हैं, रात भर खेतों और बाजारों में घूमती है गाय। नगर पंचायत की लापरवाही आई सामने, योगीराज में गौशाला का हाल बेहाल, रात में गायों को बाहर कर देते हैं कर्मचारी, बदायूं से खबर सामने आ रही है, रात भर खेतों और बाजारों में घूमती है गाय। तो बदायूं से खबर सामने आ रही है, जहां गौवंशों का बुरा हाल देखने को मिल रहा है। इस ठंड में रात के समय कर्मचारी बाहर निकाल देते हैं और खेतों बाजारों में घूमती रहती है ये गाय। गौवंशों का बुरा हाल देखने को मिल रहा है, नगर पंचायत की लापरवाही सामने आई है। इस खबर पर वैसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता राजन पाठक जुड़ चुके हैं बदायूं से। राजन, कहाँ की हैं ये तस्वीरें और किसकी लापरवाही सामने आ रही है? मैम, ये अलापुर नगर पंचायत की है और गौशाला कर्मचारियों की लापरवाही, इसमें अधिशासी अधिकारी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी राजन, सरकार द्वारा क्या कुछ निर्देश दिए गए जिनका पालन नहीं हो रहा है? मैम, कानून योगी शासन के निर्देश ये हैं कि गौशाला को स्वच्छ रखें, साफ सफाई रखें। इसमें गौशाला के अंदर हमने माना किया था तो उसमें गौशाला बहुत कमजोर है, ना उन्हें कोई ओढ़ने की व्यवस्था है, ठंड में तड़प तड़प के गाय मर रही है, मार्केट में घूम रही है, खेतों में घूम रही है, किसानों की फसल बेकार हो रही है, सड़क पे घूम रही है, एक्सीडेंट का डर है। जी, तो क्या रात में ही सिर्फ गौवंश सड़कों पर नजर आते हैं या दिन में भी नजर आते रहते हैं? सुबह से लेकर रात भर ऐसी घूमती रहती है, गौशाला पे तारा डाल दिया जाता है, रात्रि 9 बजे के बाद गाय बाहर तड़पती रहती है। जी, तो जो इनके खाने पीने का इंतजाम किया गया है तो क्या उसका लाभ भी नहीं मिल पा रहा है गौवंशों को? नहीं मैम, बिल्कुल भी कोई खाने पीने की व्यवस्था ठीक से नहीं है, गाय बिल्कुल कमजोर होती जा रही है। जी, तो इस पे क्या एक्शन होना चाहिए राजन? इसमें मैम सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए कर्मचारियों के खिलाफ और अधिशासी अधिकारी जो लापरवाही कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर मास्टर राजन पाठक जुड़े थे बदायूं से, जिन्होंने बताया कि पूरा दिन गौवंश बाहर घूमते रहते हैं, ना खाने पीने की व्यवस्था है, कोई भी व्यवस्था नहीं की गई गौवंशों के लिए, रात भर गाय बाजार और गांव में घूमती रहती, खेतों में घूमती रहती है। तो बदहाली देखने को मिल रही है, किस तरह से गौवंश की जो हालत है वो देखने को मिल रही है। तस्वीरें सामने आई है जहाँ ताला पड़ा हुआ है गौशालाओं में। बलरामपुर दौरे पर जाएंगे जल शक्ति मंत्री, निरीक्षण भवन जाएंगे डॉक्टर महेंद्र सिंह। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम के दौरे से पहले लेंगे तैयारियों का जायजा। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करेंगे पीएम। बलरामपुर दौरे पर जाएंगे जल शक्ति मंत्री, निरीक्षण भवन जाएंगे डॉक्टर महेंद्र सिंह। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम के दौरे से पहले लेंगे तैयारियों का जायजा। बलरामपुर दौरे पर जाएंगे जल शक्ति मंत्री, बड़ी खबर सामने आ रही है। जल शक्ति मंत्री जाएंगे और पीएम के दौरे से पहले निरीक्षण करेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। खबर पर मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है, किन किन चीजों का निरीक्षण करने जल शक्ति मंत्री पहुंच रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, आज उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री यहां पर पहुंचेंगे, जहां कलेक्ट्रेट में आज पहले बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ में, और अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य मंत्री पलटू राम भी रहेंगे। जहाँ वहाँ पहले अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद में अटल भवन में वे अपने जो जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ जो भाजपा के तमाम पदाधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग करेंगे। जी अमित, बलरामपुर कब आ रहे हैं पीएम मोदी? ये अभी इसका सूचना तो नहीं मिला है, लेकिन उनका ये है कि जो किसी चीज का शिलान्यास उनको करना है उसी को लेकर यहाँ आएंगे।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अमित जुड़े थे। बलरामपुर दौरे पर जल शक्ति मंत्री जा रहे हैं, निरीक्षण भवन जाएंगे डॉक्टर महेंद्र सिंह, और साथ ही पीएम के दौरे से पहले सभी तैयारियों का जायजा लेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। लखनऊ में अडानी ग्रुप और आईआरबी बनाएंगे, पीएम और सीएम करेंगे एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। प्रयागराज से मेरठ तक चार चरणों में बनेगा एक्सप्रेसवे, बड़ी खबर सामने आ रही है। औद्योगिक कॉरिडोर भी होगा स्थापित। लखनऊ में अडानी ग्रुप और आईआरबी बनाएंगे एक्सप्रेसवे, पीएम और सीएम करेंगे एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। प्रयागराज से मेरठ तक चार चरणों में बनेगा एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर भी होगा स्थापित। लखनऊ में अडानी ग्रुप और आईआरबी बनाएंगे एक्सप्रेसवे, पीएम और सीएम करेंगे एक्सप्रेसवे का शिलान्यास। प्रयागराज से मेरठ तक चार चरणों में बनेगा एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर भी होगा स्थापित। एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं, जिसके लिए ये खबर भी सामने आ रही है कि लखनऊ में अडानी ग्रुप और आईआरबी एक्सप्रेसवे बनाएंगे, पीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, दिव्यांगों को मुफ्त में मिलेगी ट्राईसाइकिल। हर लोकसभा में 100 पात्रों को मिलेगी ट्राईसाइकिल, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद की गई घोषणा। जेम पोर्टल के जरिए खरीदी जाएगी ट्राईसाइकिल। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, दिव्यांगों को मुफ्त में मिलेगी ट्राईसाइकिल। हर लोकसभा में 11 पात्रों को मिलेगी ट्राईसाइकिल। यात्रियों के लिए खुशखबरी, बलरामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, फिर चलेगी गोरखपुर ऐशबाग इंटरसिटी ट्रेन। बंद होने पर व्यापारियों ने किया था प्रदर्शन, बलरामपुर से खबर सामने आ रही है, राज्य मंत्री की मांग पर शुरू हुआ ट्रेन का संचालन। ट्रेन चलने से व्यापारियों में दौड़ी खुशी की लहर, बलरामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, यात्रियों के लिए खुशखबरी, फिर चलेगी गोरखपुर ऐशबाग इंटरसिटी ट्रेन। बंद होने पर व्यापारियों ने किया था प्रदर्शन, राज्य मंत्री की मांग पर शुरू हुआ ट्रेन का संचालन, सबकी बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रेन चलने से व्यापारियों में दौड़ी खुशी की लहर। बुलंदशहर में बजरंग दल ने किया प्रदर्शन, दुकानदार के साथ विशेष समुदाय के लोगों ने की मारपीट, पुलिस पर मामले की लीपापोती करने का आरोप। कार्रवाई से असंतुष्ट कार्यकर्ता पहुंचे खानपुर थाना, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बुलंदशहर में बजरंग दल ने किया प्रदर्शन, बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है, दुकानदार के साथ विशेष समुदाय के लोगों ने की मारपीट, पुलिस पर मामले की लीपापोती करने का आरोप। कार्रवाई से असंतुष्ट कार्यकर्ता पहुंचे खानपुर थाना, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बुलंदशहर में बजरंग दल ने किया प्रदर्शन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, दुकानदार के साथ विशेष समुदाय के लोगों ने की मारपीट, पुलिस पर मामले की लीपापोती करने का आरोप। बड़ी खबर सामने आ रही है बुलंदशहर से, जहां कार्रवाई से असंतुष्ट कार्यकर्ता पहुंचे खानपुर थाना, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।